ये देखे दोस्तों, मैंने अपने सभी चूहों को खाने पीने के लिए दिया है। जो चूहे पीना चाह रहे हैं उनको पीने के लिए दिया है, और जो चूहा खाना चाह रहे हैं उनको खाने के लिए दिया है। ज़्यादा कोई खर्चे वाली चीज़ नहीं दिया हूँ, सिंपल जैसे गेहूँ होता है, चाय हो गया, दूध हो गया, वही सब चीज़ें दिया हूँ। आप यहाँ देखते हैं कि सभी लोग गेहूँ खा रहे हैं और सिंपल सा। एक्चुअली ये सुबह का इनका नाश्ता है। नाश्ता का मतलब ये है कि सुबह उठता हूँ तो पास में जो रहता है वही चीज़ मैं दे देता हूँ खाने के लिए। भूखा नहीं लगता इनको, और इनका शरीर देखा पूरा लगता भी हो कि भूखे ये लोग नहीं है, काफी ठीक ठाक शरीर के हैं ये। इनमें से एक चूहा ऐसा है जिसको सारी ठंडी लगी है, क्या हो गया है, वो हल्का सा टेढ़ा हो गया है। वो जब भी देखता उगता है तो हल्का सा टेढ़ा होके दिखता है। अब पता नहीं क्या हो गया, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था, काफ़ी परेशान था कि क्या हो गया इसको। तो मैंने किसी से कंफर्म किया तो मुझे मालूम चला कि इसको शायद ठंडी लग गई है। हालांकि ठंडी लगने का रीज़न ये भी है कि ये चूहा मेरे साथ रहता ही नहीं है। इसको मैं खुला में रखता हूँ तो ये अपना भागा रहेगा, पता नहीं कहाँ रहता है, पता नहीं चलता मुझको। तो जब ये आता है खाली खाने टाइम पे आता है, खा के निकल जाता है वापस। आप यहाँ देखते हैं सभी चूहे काफी अच्छे से रह रहे हैं, और काफी इनका मैं केयर करता हूँ। स्पेशली हर सीजन में इनका केयर करना पड़ता है, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो समर हो, ठंडी हो, गर्मी हो, इनका बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। नहीं ध्यान देने पे गर्मी में भी इनकी जान जाएगी और ठंडी में भी इनकी जान जाएगी, तो इसलिए इनको हर सीजन में ध्यान देना पड़ता है। बाकी आप देख सकते हैं कितने प्यार से ये लोग रह रहे हैं, एक साथ रहते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तब होती है जब मैं इनको नहला देता हूँ, तो नहलाने के बाद ये लोग साफ़ सुथरे हो जाते हैं और इनको ऐसा लगता है जैसे कि कोई और चूहा मेरे घर में आया है, तो ये खुद से भी अनजान हो जाते हैं और काटने पिटने के लिए दौड़ते हैं।